So really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और मैं सुमंत लेके आया हूँ आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है एक फोन का अनबॉक्सिंग, जो कि है आपका रेडमी 8A12। तो आज हम करने वाले हैं इसी फोन का अनबॉक्सिंग। बताने वाला हूँ आपको इस फोन का फुल रिव्यू, इसका कैमरा डिटेल और आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आपको आज इस वीडियो में फुल रिव्यू मिलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप वहीं रुकिए, मैं जाता हूं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो बॉक्स के सामने ही लिखा हुआ है 5000 mAh, जो कि इसकी बैटरी की खासियत है। और पीछे इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। और ये 2GB और 32GB का वेरिएंट है। बॉक्स के साइड में रेडमी 8A12 लिखा हुआ और कुछ भी नहीं। बॉक्स जैसे ही खोलते हैं तो आपको सामने सिम इजेक्ट पिन और उसका मैनुअल मिलता है। उसके बाद हमारा ये सामने फ़ोन है, जिसको हम निकाल के, फिलहाल जो आप देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको रखता हूँ साइड पर। और इसके साथ में हमें और मिलता है इसका डेटा केबल, जो कि टाइप सी है। एंड उसके साथ में मिलता है पावर अडेप्टर। ये नॉर्मल पावर अडेप्टर है जो कि 10 वाट का है, लेकिन ये फ़ोन 18 वाट का चार्ज को सपोर्ट करता है, इसलिए आपको अलग से लेना पड़ेगा। और ये है हमारा फ़ोन, काफ़ी खूबसूरत, जो कि स्काई वाइट कलर पे है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है, जो कि फ़ोन को एक्वा एक्स ग्रिप डिज़ाइन के नाम से इसमें कहा गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ़ोन के एक एक स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्वा एक्स ग्रिप डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे डायमंड कट टाइप का बना हुआ, जो कि काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। और ये कलर काफ़ी प्रीमियम लगता है, जो कि स्काई वाइट कलर पे है, और ऊपर में रेडमी की ब्रांडिंग की गई है जस्ट कैमरे के नीचे। अब हम बात करते हैं इसकी मेन जो है कैमरे के बारे पे। तो यहाँ पर पीछे में दो कैमरा दिया गया है विद फ्लैशलाइट, जो कि यह है आपका 13+2 कैमरा। 13 मेन है, 2 डेप्थ सेंसर है। आगे 8 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि डॉट नॉच के साथ में आता है। और आपका जो डिस्प्ले है 6.22 का HD+ डिस्प्ले मिलता है। कोरिना ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको डिस्प्ले में, और ये स्प्लैश प्रूफ भी है आपका फ़ोन। साथ में इसको जो मेन खूबी है कि मैंने आपको बताया कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और मेन खास बात कि ये 5000 mAh की इसकी बैटरी कैपेसिटी है। और पीछे में आपका टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm की जैक और माइक और स्पीकर दिया गया है। स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि ओक्टा कोर 2GHz तक सपोर्ट करता है। इसके साथ में आपको 2 सिम के साथ एक माइक्रो SD स्लॉट लगाने को मिल जाएगा, जो कि 512 GB तक सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं हम कैमरा सैंपल की।